हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर। आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लौकी की रेशे वाली सब्जी और लौकी के कोफ्ते खा खा के बोर हो गए हैं और लौकी के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है आधा किलो लौकी, एक हरी मिर्च और दो मीडियम साइज़ की प्याज। लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है और प्याज को भी हमने मीडियम साइज़ का चॉप कर लिया है। चलिए गैस पे हम पैन रखेंगे और जब पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। ये मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी अच्छी लगती है तो यहाँ पे मैंने करीब 5 से 6 चम्मच तेल डाला है। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा और अनियन जो हमने चॉप की थी। इसे नहीं तो हमने ज़्यादा पतला चॉप करा है और ना ही ज़्यादा मोटा, हमने मीडियम साइज़ का इसे चॉप करा है। और अब हम हाई फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें इसे ओवर फ्राई नहीं करना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमने इसमें और मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हमने हींग डाली है 1/4 चम्मच और जो हरी मिर्च हमने चॉप करी थी वो इसमें हमने डाल के एक बार इसे और हम चला लेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारी लौकी। और लौकी डाल के हमें इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है। और उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे करीब 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी और उसे हम अच्छे से लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे। और लाल मिर्च और हल्दी को एक बार हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और मसाले डालने से पहले। और जब लाल मिर्च और हल्दी अच्छे से हमारी लौकी के साथ मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं हमारे और मसाले। उसमें सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं करीब 1/2 चम्मच सौंफ और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैंने करीब 1/4 गरम मसाला इस सब्ज़ी में डाला है। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगती है। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद करीब 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रख देना है। चलिए 4 मिनट हो गए हैं, हम एक बार सब्ज़ी को चला देते हैं और आप खुद देखेंगे सब्ज़ी हमारी एक साइड से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। जितनी अच्छी आप इसे फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप खुद देख सकते हैं हमारी सब्जी वन साइड से कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसलिए हम इसे अगेन एक बार और अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 3 से 4 मिनट बाद हम इसे अगेन एक बार मिक्स कर लेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद मैंने गैस को स्लो फ्लेम पे कर दिया था और अभी तक मैंने हमारी भुजी को स्लो फ्लेम पे ही पकाया है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसे अगेन हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने वाले हैं। पूरे 3 मिनट तक फ्राई करके मैंने हमारी गैस को बंद कर दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1/2 चम्मच नींबू का रस और यहाँ पर मैंने डाला है गार्निशिंग के लिए चॉप्ड कोरिएंडर। और धनिए को और नींबू को हम हमारी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपकी एक सिंपल टेस्टी लौकी की भुजी बनकर तैयार है। आप भी लौकी की भुजी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी होती है। आपके घर में सब इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।